गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पोदार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले अपने वीडियो लेक्चर में लेंथेनाइड तत्वों के बारे में पढ़ चुके थे। हम लोगों ने उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने उनके ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सामान्यतः लेंथेनाइड तत्व जो हैं वो प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, विशेष परिस्थितियों में वो प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। हम लोगों ने लिखा था कि प्लस टू और प्लस फोर ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने के लिए जो सामान्य शर्तें हैं या सामान्य जो स्थितियां होती हैं वो होती हैं या तो एफ ज़ीरो या होती है एफ सेवन या होती है एफ फोर्टीन। यानी कि एक तो स्थिति वो होगी जब एफ में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, एक स्थिति होगी जब एफ अर्धपूरित स्थिति में होगा, और एक स्थिति होगी जब एफ ऑफकोर्स जो है वह पूर्ण पूरित अवस्था में होगा। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि लेंथेनाइड तत्व जो हैं उनकी जो मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, प्लस थ्री। तो लेंथेनाइड तत्वों की जो रिएक्टिविटी है, यह हम लोग कहें कि इनका जो रसायन है, इनकी जो केमिस्ट्री है, वो डिपेंड करती है किस पे, इनकी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था। प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा था कि लेंथेनाइड जो है उनके प्रथम तीन आयनन एंथैल्पी जो है उनके मान बहुत कम होने के कारण, लेंथेनाइड तत्व जो हैं वो अपचायक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। यानी कि इनके अपचयनिक भाव का मान अत्यधिक ऋणात्मक होता है, इस कारण ये अपचायक प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण अंक हैं वो प्लस थ्री की अवस्था में अपनी रिएक्टिविटी को शो करते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लेंथेनाइड तत्व है वो अपचायक प्रवृत्ति रखते हैं। हम लोग ज़्यादातर अगर ये देखेंगे कि इनके जो ज़्यादातर रिएक्शंस हैं, मेनली जो रिएक्शंस हैं वो हम लोग इनकी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में ही देखेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट जो हैं वो प्रबल धन विद्युती होते हैं। प्रबल धन विद्युती किस प्रकार, क्यों, क्योंकि ये आसानी से अपने तीन इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और आयनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी रिएक्शंस की, जैसे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि के साथ अभिक्रिया, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग इसकी जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, लेंथेनाइड्स जो हैं एलएन से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जब इसकी H2O के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो H2O के साथ अभिक्रिया करवाने पर ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड बनाने के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जल के साथ इनकी जो अभिक्रिया है वो ठंडे जल के साथ धीमी गति से और गर्म जल के साथ तेज़ी से संपन्न होती है। यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं जो मेनली क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगर हम लोग बात करें इनकी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन के साथ जब लेंथेनाइड्स अभिक्रिया करते हैं तो ऑक्साइड्स बनाते हैं, ऑक्साइड्स Al2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि इनकी ज़्यादातर जो अभिक्रियाएं होंगी उनमें लेंथेनाइड अपनी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में ही होंगे। ऐसे ही अगर हम लोग सल्फर के साथ इसकी अभिक्रिया करवाएं, सल्फर के साथ मान लीजिए, कार्बन के साथ मान लीजिए, ये के सारे क्या है, अधातु है, तो सल्फर के साथ भी यह सल्फाइड का निर्माण करता है, कार्बन के साथ यह कार्बाइड का निर्माण करता है, हेलोजन के साथ अगर इसकी अभिक्रियाएं करवाई जाएं तो हेलोजन के साथ ये हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। कार्बन और कार्बन के साथ जो कार्बाइड बनाते हैं
वो सामान्यतः अरस समीकरणमिति यानी कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं। इनके साथ जब भी कंपाउंड बनाए जाएंगे तो इनके साथ कंपाउंड बनाते समय यह प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में ही हमेशा होंगे। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें इसकी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन भी एक अधातु है, तो नाइट्रोजन के साथ भी जब यह अभिक्रिया करेगा तो नाइट्राइड का निर्माण करेगा। हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्राइड का निर्माण करता है। हाइड्राइड जो है वो भी अरस समीकरण मितीय प्रकार के होते हैं। इस प्रकार जो रासायनिक अभिक्रिया हैं लेंथेनाइड तत्वों की, वो मेनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपनी प्लस थ्री ऑक्सीकरण अवस्था में ही प्रदर्शित करते हैं, जिनके कुछ प्रारूपिक अभिक्रियाएं हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पे एलन से मतलब यह है कि कोई सा भी लेंथेनाइड तत्व हो सकता है, जब यह जल, ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, हैलोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि के साथ अभिक्रिया करेगा तो निम्न प्रकार के उत्पादों का निर्माण करता है। ठीक है, लेंथेनाइड तत्वों में लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक इनकी परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं में लगातार कमी आती है, जिसको हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। परमाणु त्रिज्याओं में फिर भी कमी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन एलएन थ्री प्लस में जो परमाणु आयनिक त्रिज्या होती है उसमें निरंतर कमी आती है, जिसे हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के दो कारण हैं। ठीक है, पहला कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। देखिए, हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में जाते हैं। हम लोग इस स्ट्रक्चर को बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, यह कोश नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगर हम लोग लेंथेनाइड्स की बात करें तो उसके लिए तीन कोष ऐसे होते हैं जो अपूर्ण होते हैं। ठीक है, अगर लेंथेनाइड्स के लिए बात की जाए तो 4F है यहाँ, 5D है यहाँ और 6S है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जब जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ नाभिकीय आवेश जो है वह बढ़ता है। नाभिकीय आवेश बढ़ेगा यानी कि जेड इफेक्टिव का मान क्या है, बढ़ता है। जेड इफेक्टिव का मान जब भी बढ़ता है तो आयनिक त्रिज्या यानी साइज क्या होती है, कम होती है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लेंथेनाइड्स में लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने के दौरान जब अंदर वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ेगी और उससे नाभिकीय आकर्षण बढ़ने से आकार में क्या आती है, कमी आती है। दूसरा प्रभाव है परिरक्षण प्रभाव। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे तो F में लगातार इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण F के जो इलेक्ट्रॉन हैं इन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर परिरक्षण प्रभाव लगाएंगे, जिससे आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी अगर सिग्मा इंक्रीज होगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमारे पास दो प्रभाव हैं, एक है प्रभावी नाभिकीय आवेश जो क्या ला रहा है, आकार में कमी ला रहा है। एक है परिरक्षण प्रभाव जो क्या कर रहा है, आकार में वृद्धि कर रहा है। यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो दो ऐसे इफेक्ट है जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। लेकिन जो F कक्षक है उनका परिरक्षण प्रभाव जो है, उनका परिरक्षण प्रभाव जो है वह D कक्षक को जितना प्रभावी नहीं होता है। तो परिरक्षण प्रभाव जो है उसका इम्पेक्ट कम होने के कारण, परिरक्षण प्रभाव का इम्पेक्ट कम होने के कारण आकार में लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने के कारण, सॉरी
लेंथेनम से लिटीशियम तक जाने के ऊपर कमी आती है, जिसे हम लोग कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन। एफ कक्षक जो है उनका आकार बड़ा होता है, एफ कक्षक का परिरक्षण प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता है जितना डी का होता है, तो परिरक्षण प्रभाव का प्रभाव कम होने के कारण जेड इफेक्टिव का प्रभाव ज़्यादा रह जाता है, जिससे आकार में ओवरऑल क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और आकार में ओवरऑल कमी आने के कारण लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणुओं के आकार में लगातार कमी आती है, जिसे हम लोग कह रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या है, इफेक्ट क्या है, देखिए लेंथेनाइड संकुचन जो है उनके प्रभाव क्या है। तो पहला प्रभाव तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर आप लोगों ने ट्रांजिशन मेटल्स के ऊपर ध्यान दिया हो तो 3D श्रेणी जो है वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम यहाँ से स्टार्ट रहती है। 4D श्रेणी जो है यह होती है। 5D श्रेणी जो है यह होती है, यह है 3D श्रेणी, यह है 4D श्रेणी और यह है 5D श्रेणी। ठीक है, हम लोगों ने 11th क्लास में जो आवर्तिता पढ़ी है पीरियडिक टेबल में, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आने के दौरान कोष में वृद्धि होने के कारण आकार में भी वृद्धि होती है, यानी स्कैंडियम से इट्रियम का आकार जो होगा वह बहुत ही ज़्यादा होगा। हम लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लेंथेनाइड्स हैं, यहाँ पे छठे आवर्त और तीसरे वर्ग में, तो यहाँ पे जो लेंथेनाइड्स हैं उनमें क्या लग रहा है, लेंथेनाइड संकुचन, यानी आकार में क्या हो रही है, कमी। और यहाँ से 4 से 5 तक आने में एन का मान बढ़ा, यानी कि क्या बढ़ गया आपके पास, कोष। कोष क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगा, और लेंथेनाइड संकुचन से क्या हो रही है, आकार में कमी हो रही है। तो इस आकार में हुई वृद्धि को लेंथेनाइड संकुचन द्वारा आकार में हुई कमी द्वारा जब काउंटर कर दिया जाता है तो 4D यानी द्वितीय संक्रमण श्रेणी और 5D यानी कि तृतीय संक्रमण श्रेणी के ये जो तत्व हैं बाद में आने वाले, उनके आकार लगभग बराबर हो जाते हैं। यानी कि जिरकोनियम के बाद वाले एलिमेंट और हैफनियम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं 4D और 5D श्रेणी के, उनके साइज क्या होंगे, बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। अगर हम लोग बात करें जिरकोनियम 160 पिकोमीटर इसकी परमाणु त्रिज्या होती है, और हैफनियम जो है उसकी 159 पिकोमीटर इसकी 159 पिकोमीटर इसकी परमाणु त्रिज्या होती है, यानी कि ये दोनों जो हैं वो आकार में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसका पहला प्रभाव तो यह है कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो लेंथेनम के बाद आने वाले जो तत्व हैं उनका आकार जो है वो 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के आकार के बराबर हो जाता है। इसका जो दूसरा प्रभाव है वह इसी से मिलता जुलता है कि अगर इनका आकार एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है, साइज बिल्कुल इनकी एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर इनके पृथक्करण में बहुत समस्याएं आती है। इनका हम लोग जो आइसोलेशन करते हैं, यानी कि इनको जब पृथक किया जाएगा तो बहुत समस्याएं आती है। क्यों, क्योंकि इनकी साइज क्या हो जाती है, बिल्कुल सेम हो जाती है, तो इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको करवाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं। तीसरा प्रभाव यह है कि जब हम लोग लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम तक जाते हैं तो आयनिक त्रिज्या के मान में लगातार कमी होने के कारण इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी जो क्षारीय प्रवृत्ति है वह इधर से इधर जाने पर लगातार घटती है। क्यों, क्योंकि इनके आयनिक त्रिज्या के मान कम हो जाते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति इसकी घटती है। यह थे लेंथेनाइड संकुचन के कुछ प्रभाव। अब हमें बात करनी है कि लेंथेनाइड जो है वो मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु कौन बनाते हैं, वे एलिमेंट्स जिनका आकार लगभग समान होता है, तो वो मिश्र धातु बनाते हैं। लेंथेनाइड तत्वों द्वारा जो मिश्र धातु बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मिस धातु, मिस मेटल,
ठीक है, आप लोगों को इस नाम के साथ कन्फ्यूजन में नहीं आना है। मिश्र धातु और मिस धातु, लेंथेनाइड के द्वारा जो मिश्र धातुएं बनाई जाती है उनमें स्पेसिफिक नाम है जिसे हम लोग बोलते हैं मिस धातु। मिस धातु में सी ई होता है 44%, एल ए एंड एन डी होते हैं 44%, आयरन होता है 5%, और उसके अलावा थोड़े से मात्रा में कार्बन, सल्फर, एल्युमिनियम, सिलिकन, कैल्शियम आदि होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मिस मेटल। ठीक है, लेंथेनाइड्स के लिए हम लोग इतनी बात करेंगे। इसके अलावा अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में एक्टिनॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। नई खबर यह है कि आरबीएससी अपना जो सिलेबस है उसको 70% तक रिड्यूस करने के प्रयास में है। यानी सीबीएसई ने अपना सिलेबस जो है वो 70% तक ले आए हैं, 30% उसको रिड्यूस कर दिया है। 70% सिलेबस यानी कि हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको हटा दिया जाए। जो चैप्टर हटाए जाएंगे उनमें सबसे बायोमोलिक्यूल, इसके अलावा हम लोग देखें तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे कुछ चैप्टर हैं। यानी कि तकरीबन मान के चलो कि 4 चैप्टर ऐसे होंगे जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिए जाएंगे। हाँ, ये केवल इसी साल के लिए किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल आप लोगों के जो टाइम था स्कूल स्टार्ट होने का, वो आप मान के चलिए कि अगर 31 जुलाई तक स्कूलें बंद हैं तो 31 दिन तो गए। अगर इसमें से हम लोग 25 वर्किंग डे भी माने तो 25 वर्किंग डे जाने की वजह से आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। तो आप लोगों को अगली सूचना के हिसाब से नया कोई चैप्टर पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।